आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड मलाई गोभी की सब्जी। नमस्कार, स्वागत है आपका शिवानीज राजस्थानी रसोई में। आज हम बनाएंगे फ्राइड मलाई गोभी की सब्जी, बनने में आसान और खाने में लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक गोभी का फूल जिसे हमने कट कर लिया है, एक हरी मिर्च, दो टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक और 3 अनियन। सबसे पहले हम अनियन का पेस्ट बना लेंगे। हमें अनियन को कट कर लेना है और इन्हें का फाइन ग्राइंड पेस्ट बना लेना है। हमने अनियन का पेस्ट बना लिया है, अब हम बनाएंगे टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट के लिए हमें टमाटो को कट कर लेना है। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च और अदरक। हमें इन सभी का पेस्ट बना लेना है। टमाटो पेस्ट बन चुका है। अब टमाटो पेस्ट के बाद में हम लेंगे मसाले। हमने गरम मसाले में लिया है बड़ी इलायची, तेजपत्ता, छोटी इलायची, लौंग जिसके ऊपर के फूल हमने हटा लिए हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, 4 से 5 काली मिर्च और दालचीनी। अब हम कुछ गरम मसालों को दरदरा कर लेंगे, इन्हें कूट लेंगे, जिसमें हमने ली है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। हमने काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को पीस लिया है। अब हम छोटी इलायची और बड़ी इलायची को भी पीस लेंगे। हमें छोटी इलायची और बड़ी इलायची के छिलके हटा देने हैं और इनके बीजों को भी दरदरा कर लेना है। हमें पूरी बड़ी इलायची को हमारी सब्जी में यूज़ में नहीं लेना है। हम 12 से 15 दानों को ही सब्जी में यूज़ में लेंगे, नहीं तो हमारी बड़ी इलायची का फ्लेवर सब्जी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने सभी गरम मसाले दरदरे कर लिए हैं। मसालों को दरदरा कर लेने के बाद हमें पेस्ट बनाना है लहसुन का। हमने 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं और इनका पेस्ट बना लिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। हमने 2 सर्विंग स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, लगभग 2.5 सर्विंग स्पून हमने ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और हमारे सभी गरम मसाले। जब हमारे सभी मसाले तड़कने लग जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन का पेस्ट, जिसमें हमने 6 से 7 लहसुन का पेस्ट बनाया है। लहसुन को 25 से 30 सेकंड्स तक हमें पका लेना है। उसके बाद हम डालेंगे हमारे अनियन का पेस्ट, हमारे अनियन की प्यूरी। हमें अनियन को गोल्डन होने तक पकाना है। अनियन काफ़ी पक चुका है, अनियन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी, जिसके अंदर हमने लिए हैं 2 टमाटोज, 1 हरी मिर्च बड़ी साइज़ की और अदरक। अब हम हमारी ग्रेवी में ऐड करेंगे मसाले। हमने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम लेंगे 1/2 टीस्पून सिका हुआ जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। अब हम इन सभी मसालों को टमाटर की प्यूरी के साथ में मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को कर देना है हमें लो और टमाटो को पकने देना है। अब हम हमारी गोभी को फ्राई करेंगे। हमें हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल को गरम कर लेना है और इसमें डाल देनी है गोभी को, और गोभी को हमें गोल्डन होने तक फ्राई करवाना है। टमाटो की प्यूरी भी काफ़ी पक चुकी है। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है और गोभी फ्राई हो रही है, तब तक हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं। हमने बादाम, काजू और किशमिश ली है
और इसके साथ में हमने ली है हाफ कप घर की मलाई, जिसे हमें बहुत पुरानी मलाई को यूज़ में नहीं लेना है, मलाई 2 से 3 दिन पुरानी ही होनी चाहिए। हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे मलाई। अब हम ग्रेवी में डाल देंगे मलाई, और मलाई के साथ में ही हमें डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई, और हमें इसे जब तक कंटिन्यू हिलाते रहना है जब तक ये पकना शुरू ना हो जाए। हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है, साइड में से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट्स के लिए, और हम गोभी को चेक करेंगे। हमारी गोभी भी फ्राई हो चुकी है, देखिए गोल्डन कलर की गोभी तैयार हुई है। फ्राइड मलाई गोभी की सब्जी को लिक्विड करने के लिए हम इसमें सिर्फ पानी यूज़ में नहीं लेंगे, हमें दूध और पानी का मिक्सचर तैयार करना है, और इन्हें सेम क्वान्टिटी में तैयार करना है। हमने आधा कप दूध लिया है और उसमें आधा कप पानी डाल दिया है। अब हम सब्जी की ग्रेवी को चेक करेंगे, सब्जी ने साइड में से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और ग्रेवी काफ़ी थिक है इस टाइम पर, तो हम इसमें डालेंगे दूध और पानी का मिक्सचर और इसे लिक्विड करेंगे। हमें एक साथ दूध और पानी का मिक्सचर नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब हम सब्जी में डाल देंगे फ्राई करी हुई गोभी। ग्रेवी अभी भी काफी थिक है, तो हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसमें और इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और ऊपर से धनिया पत्ती कोरिएंडर, और सब्जी को ढक के रख देना है हमें 5 मिनट्स पे लो फ्लेम पर। 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी सब्जी हो चुकी है तैयार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपको इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, इसे ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।